कुछ महीने पहले यही वो महापौर का ऑफिस है यानी मेयर का ऑफिस है जिसे तोड़ दिया गया था। आज मैं देख रहा हूँ, पहले वो कांच की दीवार थी, आज आप लोगों ने लकड़े की दीवार डाल दी है। कहीं इस डर से नहीं कि वापस दोबारा अटैक तो नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके पहले हमने दालन का न्यू रिन्यूवेशन करने के लिए हमने ऑलरेडी पास कर दिया था स्टैंडिंग में। और सभी का यहाँ पे देखो, महानगर पालिका में है, विरोधी पक्ष नेता का है, हमारे पत्रकार बंधुओं का भी है, हमारे सभागृह नेता का है, उप महापौर, सभी एक यहाँ पे जनता का कार्य करने के लिए यहाँ पे होते हैं और जनता अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पे कुछ स्थान होना चाहिए और यहाँ पे प्रशासन की ओर से जो आज दालन बना इसके लिए मैं पूर्ण मीरा भाईंदर के शहरवासियों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, एक 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 सवाल है, बहुत दिनों से कुछ एक क्वेश्चन उठ रहा है कि बहुत सारे पैसे जो है खर्च कर दिए गए इस ऑफिस को बनाने के लिए, महापौर ऑफिस को बनाने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ का एक सीमा होता है और हर चीज़ के लिए एक निधि होती है, टेंडर प्रोसेस होता है, तो वो सब प्रशासन की ओर से होता है, चाहे वो पत्रकार बंधुओं का दालन हो या चाहे विरोधी पक्ष नेता का भी दालन न्यू बनाया था उनका भी हो, तो हर प्रोसेस से सब कुछ किया था। आज जो निधि के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं तो वो शायद खाली महापौर के दालन की निधि से शायद ऐसे बोल रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि महापौर दालन के साथ साथ उप महापौर दालन है, हमारे सभागृह नेता है, बाहर का सब पैसेज है, वो पूर्ण मिला के ये सब होने जा रहा है। तो ये सब पता नहीं तो मुझे ऐसा लगता है उनको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपको नए ऑफिस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूर्ण शहरवासियों को भी उनके ये दालन बनने पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये हैं मेयर डिम्पल मेहता जी, जिन्होंने जो है बेवाकी से उन सवालों का जवाब दिया जो एक सवाल खड़ा किया जा रहा था कि बहुत सारे पैसे लगा दिए गए हैं मेयर ऑफिस को बनाने के लिए। इन्होंने कहा कि ये उनकी सुविधा के लिए, ये लोगों की सुविधा के लिए ही बना है और इसमें सिर्फ एक मेयर के लिए नहीं, ये पूरे ऑफिस का, कहीं ना कहीं बगल के भी ऑफिस का, ये पूरा एक इंटीरियर किया गया है जिसमें अगर इतना खर्च होता है तो बाकायदा एक प्रोसेस के तहत होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेयर फंड से वो हो गया है, तो ये पूरे प्रोसेस के हिसाब से ये हुआ है, तो लोगों को ये भी समझना चाहिए। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है कि लोगों की सुविधा के लिए ही ये सारा चीज़ किया गया है। दोस्तों, अंत में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने देखा था इस पर कांच की दीवार थी और एक हमला हुआ था कुछ महीनों पहले, और उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लकड़े की दीवार है, तो दोबारा अटैक नहीं हो सकता है इसकी वजह से ये प्रिकॉशन लिया गया हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये है मीरा भाईंदर का मेयर ऑफिस। कुछ महीनों पहले जो है इस ऑफिस पे एक हमला हुआ था और कहीं ना कहीं इस ऑफिस को तोड़ दिया गया था। उस वक्त ऐसा आरोप लगा था कि शिवसेना की वजह से जो है, शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और तोड़ दिया था। कहीं ना कहीं जब मैंने अंदर बात की इस बारे में तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है ये ऑफिस जो बना है वो ऑफिस जो है लोगों के लिए ही बना है और लोगों के लिए, मेरा कार्यकाल यानी उनका कार्यकाल तो अभी ख़त्म ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो है दूसरे लोग ही मेयर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, पहले मैंने देखा था कि कांच की दीवार थी, जो मेयर ऑफिस थे उस पर चारों तरफ कांच की दीवार थी, उसको तब्दील करके लकड़े की दीवार बना दी गई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का जो है एक ऑफिस बनाया गया है ताकि अगर इस तरह के अटैक, इस तरह की जो बातें कुछ दोबारा हो तो अंदर मेयर केबिन तक कोई ना पहुंच पाए। दोस्तों, जहां तक सवाल है, हमने एक क्वेश्चन ये भी किया कि इसमें लोगों का आरोप है कि बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए गए, बहुत सारी निधि लगा दी गई, तो उस पर मेयर डिम्पल मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि ये सारे एक प्रोसेस के तहत हो रहा है और ये सिर्फ महापौर दालान की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है और एंटी चैम्बर है और उप महापौर केविन है, ये सारे को लगा करके इतना खर्च आया है, तो मतलब, और अभी तक तो फाइनल फिगर भी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रोसेस के साथ जो है ये प्रोसेस को फॉलो करके हो रहा है और लोगों का तो लोग जो भी कहें, लेकिन ये कहीं ना कहीं शहर के नागरिकों के लिए, शहर के नागरिकों की
सुविधा के लिए ही बनाया गया है, कहीं ना कहीं वही लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जाने वाले हैं। मैं मेयर हमेशा नहीं रहने वाली, मेरा कार्यकाल तो ख़त्म होने वाला है, तो कहीं ना कहीं यही ऑफिस था। दोस्तों ये है मेयर ऑफिस डिम्पल, आप देख सकते हैं ये बोर्ड, डिम्पल मेहता मीरा भायंदर के महापौर, और ये न्यूज़ मैंने पहले भी की थी जब तोड़ा गया था। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बातों को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।